तो हेलो गाइस, मैं उसने को आप देख रहे हैं मुसाफिर ने, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है ऋषियों के शहर में, ऋषिकेश में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप ऋषिकेश में एक दिन में क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग की और आपको बताते हैं आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपना दिन यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश में आप आ कैसे सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपके पास अपना प्राइवेट कन्वेंस भी हो सकता है और आप पब्लिक कन्वेंस से भी आ सकते हैं। तो आप ट्रेन या बस से आ सकते हैं। जो बस का किराया 250 से 300 रुपये से स्टार्ट है और 500 रुपये तक मैक्सिमम है यहाँ तक आने के लिए। और ट्रेन भी चलती है, ट्रेन का अलग अलग है, स्लीपर का अलग है, एसी का अलग है। तो वो आप अपनी कन्वेंस के हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको सही लगे वो। तो ये तो हुई यहाँ से आने की बात। और यहाँ क्या कि आपको सबसे पहले करना क्या है अब बात करते हैं वो। तो ऋषिकेश में आके सबसे पहले मैंने जो काम किया सुबह उठते ही, वो मेरा काम था, सबसे पहले मैंने लिया स्कूटी रेंट में, क्योंकि मेरे लिए सबसे कन्वेंस है ये, बहुत इजीली है, 400 रुपये में मुझे मिल गई है इजीली। वैसे आपसे 500 रुपये बोलेंगे, थोड़ा बार्गेनिंग कर लेंगे तो शायद से 350 या 400 में आपको इजीली मिल जाएगी पर डे के हिसाब से। इसके बाद आपका पेट्रोल का खर्चा आपका ही होगा। तो स्कूटी सबसे पहले रेंट पर ले लीजिए, आपको आसान पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका जिस होटल में आप रह रहे होंगे आप उसी होटल से ले सकते हैं। तो ये हो गया सबसे पहला काम। अब बताते हैं दूसरा कि हम जा कहाँ रहे हैं। सबसे पहले इसी केस में आकर आप सबसे पहले आ सकते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। अगर आप महादेव के वक्त है तो इससे अच्छी जगह आपके लिए कोई हो नहीं सकती इसी केस में। तो नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि ऋषिकेश से 18 किलोमीटर दूर में है, तो यहाँ आने के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको लोकल टैक्सी भी मिल जाती है और आप स्कूटी रेंट में ले लेंगे तो आप अपनी स्कूटी लेकर इजीली आ सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉप जहाँ पे हम अपना आके दर्शन करके अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब दूसरा आपको दिखाते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो दूसरी जो चीज़ आप ऋषिकेश में कर सकते हैं वो एडवेंचर से रिगार्डिंग है। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये जगह आपकी फेवरेट होने वाली है। ये थ्रिल फैक्ट्री, यहाँ पे पीछे बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं अंदर। तो अंदर चल के आपको थोड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह दिखा देता हूँ मैं यहाँ की। और ये यहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बंजिंग जंपिंग, जैन स्विंग, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अंदर से थोड़ा दिखाता हूँ आपको। तो ये है यहाँ की बंजिंग जंपिंग जहाँ से आपको करवाई जाएगी, और स्विंग के लिए वो टावर है आपका, और यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी है और अलग से बहुत सारी जो आप कर सकते हैं। इन सब का अलग अलग प्राइस है, तो ये प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगा, और कॉम्बो लेने में अलग है। तो ये है यहाँ की फैक्ट्री का, थ्रिल फैक्ट्री में जो आप अंदर आपको फूड कोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा इजीली। तो और जो आप कर सकते हो वो यहाँ पे राफ्टिंग है, ये भी एडवेंचर है एक यहाँ का और बहुत पॉपुलर है। तो राफ्टिंग अलग अलग है, जो यहाँ पे 16 किलोमीटर की राफ्टिंग है वो आपकी मिनिमम 300 से 400 रुपये, या सीज़न होगा तो मैक्सिमम 500 रुपये होता है। तो आप राफ्टिंग कर सकते हैं इधर, जो तीसरी चीज़ है। तो चलिए आपको थोड़े राफ्टिंग के क्लिप्स दिखाते हैं और वो इन्जॉय कीजिए, फिर आपको बताता हूँ उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं। डेस्टिनेशन है वो है हमारा नीर वाटरफॉल। तो मैं उस जगह में आ चुका हूँ और यहाँ पे आने की आपकी टिकट होती है। तो चलिए टिकट काउंटर दिखाता हूँ आपको। तो ये है नीर वाटरफॉल का काउंटर जहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। इंडियन की 30 रुपये, चाइल्ड 5 से 10 साल तक बच्चे की 20 रुपये, और फॉरनर की 50 रुपये। तो टिकट लेते हैं फिर चलते आगे। तो यहाँ से ऊपर है नीर वाटरफॉल और ये इसका थोड़ा सा ट्रैक है जो हमें करके जाना है। तो चलिए चलते आगे। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है नीर वाटरफॉल। तो ये है यहाँ की नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं लोग नहा रहे हैं, और यहाँ आसपास और मैगी पॉइंट वगैरह भी बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हैं, चाय वगैरह इन्जॉय कर सकते हैं, थोड़ा स्नैक्स वगैरह नहाने के बाद। तो चलिए जगह थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ आपको, फिर लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन में। नीलकंठ से करी थी तो एंडिंग भी उसी तरीके से होनी चाहिए। तो लास्ट पे मैंने सबसे लास्ट में रखा गया है त्रिवेणी घाट जहाँ पे गंगा आरती की जाती है, पर मैं किसी कारण से लेट हो गया हूँ यहाँ पे ट्रैफिक के चक्कर से। तो मैं आरती तो एंजॉय नहीं कर पा रहा, पर आपको घाट के अंदर एक भजन चल रहा है जो वो थोड़ा एंजॉय करवाता हूँ। चलिए चलते आगे। तो ये था हमारा ऋषिकेश का ब्लॉग, एक दिन में आप क्या क्या घूम सकते हो यहाँ पे वो मैंने आपको सबको दिखा दिया। तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जो बाकी आपका जो मन हो आप वो कर सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो मेरा ब्लॉग लाइक कर देना प्लीज़, कमेंट कर देना और शेयर कर दीजिएगा और लोगों के साथ जो यहाँ आ रहे हो ऋषिकेश, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। और इन दी एंड सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव।